हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे हरे मूंग से बर्फी। और ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगी और खाने में इतना ये टेस्टी स्वादिष्ट लगता है कि एक बार आप बना लेंगे तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे और ये इतना बहुत टेस्टी लगता है। और मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगी, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालूंगी जो सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर हमने मूँग को पहले से ये धो के इसको हमने सुखा लिया था और इसको अच्छे से हम इसे भूनना है, इसका कलर चेंज होने। तो इसको हमें धीमी आंच पे भूनना है। अब तेज़ आंच पे भूनने को क्या होगा कि अंदर से कच्चा रह जाए, ऊपर से ये पक जाएगा। तो देखिए हमने धीमी आंच पे भून लिया, इसको प्लेट में निकाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमने मूँगफली कुछ भून के इसका छिलका उतार लिया है, इसको भी हम रख दिया है। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। तो इसको हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे अपना सारा। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़े से काजू बादाम और मूंगफली। तो इसको हम साथ में ही सारे चीज़ों को पीस लेंगे। और ये देखिए हमने पीस के रेडी कर लिया है। और ये देखिए एक प्लेट में हमने निकाल देंगे। अब यहाँ बनाना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से कढ़ाई रख लिया है और गैस को जला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो गुड़ को हमें चाशनी बनाना है, हमने बताया था कि हम हल्दी तरीके से बनाएंगे। नहीं, आप चाहें तो इसमें चीनी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ डाला हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसका हम गुड़ को अच्छी तरह से घुल ले देंगे। तो इसको चाशनी गाढ़ा नहीं बनाना है, बस गुड़ घुल जाए तो उसी के हिसाब से हमने इसे अच्छे से चलाते हुए गुड़ हमारा घुल रहा है, देख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये गुड़ घुल गया है। तो गैस को बंद कर देंगे, इसको हम छान लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। तो इसको हम छान लेंगे और दोबारा से उसी कढ़ाई में हम अपना जो छान के हमने गुड़ रखा था उसको डाल देंगे। और इसको वहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था सारा मिक्सर, वो हम डाल के अच्छे से इसको मिला देंगे। और इसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे। तो घी डालने से अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाला हुआ है नारियल का मुरादा, तो इससे बहुत टेस्टी टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। तो सारे चीज़ हमने जो हमारे सेहत को फ़ायदा हो ये हमने इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस यहाँ पे आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका कलर नहीं डाला है। ग्रीन कलर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कलर नहीं डाला है। और धीमी आंच पे इसको हम पका के हो गया है हमारा। तो एक बर्तन में हमने लगा लिया है घी जिसमें हम सेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे घी लगा के हम सारा अपना मिक्सचर को डाल देंगे। और इसको अभी तो ये जल रहा है तो इस स्पैचुला से हम इसको सेट कर लेंगे। तो जितने हम थोड़ा इसको मोटाई रखेंगे तो इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। अब ऊपर से हम इसको ड्राई फ्रूट सजा देंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट इसमें डालना हो। और इसको भी हम थोड़ा सा दबा के इसको सेट कर देंगे। अब इसको हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए, तो ये थोड़ा टाइम लेता है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए अच्छे से भी सेट नहीं हुआ है, तो मुझे जल्दी है तो मैं इसको काट के आपको दिखा दे रही हूँ। और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है। तो एक बार इसको आप ज़रूर बना के खाएं। बनाने में बिल्कुल भी आसान नहीं है, देख सकते हैं। तो इसको मैंने काट लिया है, तो ये देखिए मैंने निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी अच्छे से ये सेट नहीं हो रहा है, तो क्योंकि मुझे जल्दी है तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बहुत देख खाने सकते में हैं। तो इसको आप प्लेट में मैंने इसको सर्व कर लिया है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और एक बार इसको आप ज़रूर बना के खाएँ, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी ये बर्फी है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।